हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपके साथ हैं और आज उमर की ऑफ है। आज है सैटरडे और सैटरडे को उमर ने कहा कि मम्मा हम जो है अपना रूम और अपनी अलमारी जो है हम कबर्ड जो है साफ़ करते हैं। और अब देखेंगे उमर अपनी कबर्ड कैसे साफ़ करते हैं। चलते हैं अपने नए व्लॉग की तरफ। और ये है उमर की कबर्ड, उमर और अबू बकर की। और जो है अब देखेंगे कि इस ये कबर्ड कितनी मैसी हो रही है और अब इसको हमें जो है साफ़ करना है और जो है इनमें कपड़े रखने हैं। और अब देखें, उमर ने अपने काम स्टार्ट कर दिया है। उमर कब ने कपड़े तय करने शुरू कर दिए हैं और उमर बहुत अच्छे से कपड़े तय कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिहाज से उमर बहुत अच्छे तय कर रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं रूम का भी क्या हाल हुआ हुआ है उमर और अबू बकर के। हम कबर्ड साफ़ करने के बाद रूम भी साफ़ करेंगे। उमर अपने रूम की सफ़ाई खुद करते हैं और वो खुद करेंगे अपने रूम की सफ़ाई। ये अबू बकर के कपड़ों में रखी जाएगी। ओके, ये सब उमर ने तय करें। तो ये अबू बकर की है अपने तय। अबू बकर की है ये। और ये सब उमर ने तय करवाई हैं मेरे साथ मिलके। और उमर बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प आउट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उमर मेरी हेल्प करते हैं। और ये सब ये अबू बकर के भी उमर ने हेल्प करवाई है। और ये देख सकते हैं आप लोग अलमारी। और मेरे बेटे ने ये हैंगर कर दिया बॉट टॉवल अपना। ये तो बहुत प्यारा हैंग किया है आपने। अच्छा, तो हम इसको यहाँ पे हैंग कर देंगे। ओके, उमर के यूनिफॉर्म के साथ। ओके, ये उमर का बाथ टॉवल यहाँ पे हैंग हो गया है। और ये उमर बहुत ज़्यादा खुश है अपना काम करने में, बहुत मज़ा आ रहा है उमर को। और आप लोग देख सकते हैं उमर माशाल्लाह से खुद हैंग करते हैं। और इवन उमर जब स्कूल से आते हैं तो उमर अपना यूनिफॉर्म भी खुद ही हैंग करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। उमर जो है मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी अलमारी सेट हो गई है। रूम कितना मैसी हो रहा है। और उमर अभी आपको रूम पूरा साफ़ करना है। उमर इधर देखिए, ये पूरा रूम साफ़ करना है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आप लेके जाएं ट्वाइस और पूरे रूम को। ओके, लाओ आप पी लो चाय। ये चेयर की जगह कहाँ है? अब क्या लाओगे? सॉरी, हो गई सफाई उमर के रूम की। के फाइनली रूम इज क्लियर राइट नाउ। और ये हमारे छोटे उस्ताद क्या कर रहे हैं? छोटे उस्ताद क्या कर रहे हो? छोटे उस्ताद जरा बीमार चल रहे हैं, इनको लग गई है नजर। और ये बहुत ज्यादा थोड़ा इनका सीना वीना खराब हुआ है, नज़ला वगैरह। हो गए हैं हम सारे काम से फ्री और अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। और इत्तेफाक से आज मेरी मॉम ने भेजा है मेरे लिए पुलाव, और मॉम के हाथ का पुलाव बहुत यम्मी होता है और अब मैं ये खाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।